हेलो गाइस, वेलकम टू विद ऑनलाइन स्टडी। आई एम जोफराज मलिक एंड आज हम बात करेंगे पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र की। ठीक है फ्रेंड्स, और शिक्षण शास्त्र में कुछ क्वेश्चन है मॉडल पेपर की तरह मॉक टेस्ट जो मैं आपको कराने वाला हूं, और मेरे चैनल विद ऑनलाइन स्टडी पर इसकी पूरी सीरीज कराई जाएगी जिसमें आपको PDF में 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप आंसर दोगे। आपको करना क्या है, आपको एक शीट अपने साथ रखनी है ये वीडियो देखते हुए, और 1 से लेकर 10 तक उस पर काउंटिंग लिखनी है, और जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप लिखते जाओगे मेरे साथ, और फिर मैं उसका सही आंसर बताता जाऊंगा तो आप टिक लगाते जाओगे, और लास्ट में 10 क्वेश्चन तक हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और उसके बाद आप बताओगे कि आपके उसमें कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मॉक टेस्ट है जो आप सभी को देना है, और आई होप कि आप सभी इसको समझे होंगे। ये फर्स्ट मॉक टेस्ट मैंने बनाया है, डेली एक मॉक टेस्ट पेडागोजी का आपके पास आएगा, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या फिर मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डेली फेसबुक पर यह PDF या इसकी एक फ़ोटो पहुंच जाया करेगी। फेसबुक जो कि लिंक है उसका ग्रुप का, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मेरे फेसबुक से जुड़ सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं एंड देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, और सही से जवाब देना है सोच समझ के, उसके लिए 1 मिनट आपको मिलेगा, और कमेंट जरूर करना है। जो भी ये वीडियो देखता है वो कमेंट जरूर करे, उसके लिए जो करते हैं उसके लिए थैंक यू, और जिसके भी नंबर अच्छे आएंगे और जो देखते ही कमेंट करेगा उसको, उसका जो नेम होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, और थैंक यू सो मच अभी से एंड ऑल द बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो शिक्षक एक प्रभावी संवाददाता बन जाएगा यदि, संवाददाता मतलब होता है कम्युनिकेटर, जो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम को समझ पाते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। ठीक है, वह निर्देशक सहायक उपकरणों का प्रयोग करता है, मतलब कि वह सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जैसे PHP हो गया या इंटरनेट हो गया, सब सहायक उपकरण होते हैं। वह विद्यार्थी को जो भी सिखाता है उसको समस्या से बाहर निकालने में मदद करता है, मतलब एक कम्युनिकेटर है जो, वो जो भी बोलता है यानी जो भी कम्युनिकेट करता है अपने स्टूडेंट के साथ, वो किस लिए करता है, ताकि उसे समस्या से बाहर निकल पाए। तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वह छात्रों को विषय पर सवालों के सही जवाब पाने में मदद करता है, यह भी सही हो सकता है। वह केवल शिक्षण प्रक्रिया के बीच प्रश्न पूछता है, मे बी। तो इसमें से कौन सा सही आपको बताना है, तो आई होप कि आपने आंसर लिख दिया होगा। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सही है कि वो जो भी चीजें बोलता है, कम्युनिकेट करता है, संवाद करता है, वो इसीलिए होता है कि वो बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, जो भी उन्हें समस्या आ रही है उसको समझ पाए और उसे बाहर निकाल पाए। यदि कोई प्रशिक्षण सफलतापूर्व मापता है तो इसे मापने का प्रयास करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, मतलब कहने का है कि कोई टीचर है, उसे किसी भी चीज़ का मापन करना है विद्यार्थी का, और वो अच्छे से मापन करके मोर लगा के नीचे अपने साइन कर देता है, तो इस चीज़ को क्या कहा जाएगा। वैध मतलब वैलिड, नैदानिक उद्देश्य या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से एक आपको आंसर देना है। आई होप कि आप लिख चुके होंगे, तो इसका आंसर होगा वैलिड, वो चीज़ वैलिड हो जाएगी, लीगल हो जाएगी, वैध हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेरणा परिणाम में है, यानी प्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, मतलब एम इसमें टारगेट किया गया कि जो प्रेरणा है वो एक ऐसा व्यवहार है जो लक्ष्य पर केंद्रित होता है, अप्रत्यक्ष व्यवहार है, बाह्य व्यवहार है, या समस्या सुलझाने के लिए व्यवहार है। तो कौन सा है, आप सभी ने आंसर लिख दिया होगा, इसका आंसर है लक्ष्य निर्धारित व्यवहार। जब भी हमें प्रेरणा मिलती है तो हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, निर्देशित करते हैं, और उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। मान लो कि आज मैं APJ अब्दुल कलाम की जीवनी सीख लूँ तो मुझे लगेगा कि हाँ, जो मैंने सोचा अपनी लाइफ में करने का वो मुझे जरूर करना चाहिए और मुझे इनसे कुछ सीखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उद्देश्य नहीं हो सकते, हो सकता, उद्देश्य मतलब मोटिव, मोटिव नहीं हो सकता। व्यवहार से अनुमानित मतलब किसी के व्यवहार से अनुमानित,
ये उद्देश्य नहीं हो सकता या हो सकता सीधे सीधे अनुमानित और व्यवहार की व्याख्या करने के लिए या व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए। तो जो हमारा मोटिव है, उद्देश्य है, वो हमारे व्यवहार से पता लगाया जा सकता है, हमारी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए भी पता लगाया, लेकिन उन्हें सीधे सीधे अनुमानित करना मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक इसका आंसर बी होगा। चलो फिर भी हम देख लेते हैं फोर्थ का आंसर क्या है। फोर्थ का ख है, यानी बी पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। इसमें से एक, प्रोत्साहन बाहरी उत्तेजना से किसी जीव पर कार्य कर रहे हैं, मतलब जो प्रोत्साहन है वो कहीं बाहर से उत्तेजन लाता है जिस वजह से जो जीव है वो कार्य कर रहे हैं। प्रोत्साहन व्यवहार के प्रेरक नहीं है, प्रोत्साहन प्रत्यक्ष व्यवहार है या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा आपको देखना है। मेरे अकॉर्डिंग व्यवहार के प्रेरक नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि प्रोत्साहन जब भी किसी चीज को दिया जाता है तो उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता ही है। तो यही क्वेश्चन गलत होगा, इसका भी बी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उच्च शैक्षणिक स्तर पर शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक की भूमिका छात्रों को जानकारी प्रदान करना, उसकी आत्मशिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों को व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने मदद करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको आंसर देना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। सिक्स का है ख, छात्रों में आत्मशिक्षा को बढ़ावा देना कि वो खुद से बढ़ पाए आगे और वो समझ पाए कि उन्हें उसकी लाइफ में क्या करना है। सिर्फ उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को हल करना ही शिक्षक का काम नहीं है, उसे सबको साथ लेकर चलना है शिक्षक को, और आत्मशिक्षा को बढ़ावा देना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है एज कम्पेयर टू व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में मदद करना। प्रेरणा के ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत के संदर्भ में व्यवहार क्या है। प्रेरणा का सिद्धांत होता है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, उसमें क्या होता है कि शरीर में जो संतुलन वगैरह है वो देखना होता है। बाकी आपको बताना है इसमें से फोर के क्या आंसर से हो सकता है। शरीर में शारीरिक संतुलन, ठीक है, या जीवों की गतिविधि में प्रेरणा देने वाली आंतरिक हलचल, या फिर बाहरी उत्तेजना केवल व्यवहार के प्रेरक के प्रति अभिनय करना, या फिर ए और बी लेकिन सी नहीं। ठीक है, ए और बी तो हैं बट सी गलत है, तो आपको इसमें से एक आंसर चूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर यही है कि ए और बी हैं, शरीर में शारीरिक संतुलन बनाना और जीवों की को गतिविधि में प्रेरणा देने वाली आंतरिक हलचल, मतलब कि ऐसी आंतरिक हलचल जो अंदर से कोई आवाज आती है जब हमें कोई भी काम करने के लिए कि हाँ ये काम हमें करना चाहिए, तो वो जो आंतरिक हलचल होती है वही प्रेरणा जब हमें मिलती है तभी हम वहां तक पहुंच पाते हैं। उस जब हम कहते हैं कि हमारे जो दिल ने कहा वो हम किया, तो वो जो दिल की आवाज होती है उसे आंतरिक हलचल कहते हैं और वो ही प्रेरणा बनती है। ठीक है, जिससे हम बड़े से बड़ा काम भी कर पाते हैं। नेक्स्ट है, सपने का एक उदाहरण है इच्छा पूर्ति, ऑटिस्टिक सोच, अभिसरण सोच या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी अभिसरण सोच ही होना चाहिए, इच्छा पूर्ति नहीं, और देखते हैं क्या इसका आंसर है। आई होप कि आपने लगा लिया होगा, अभिसरण सोच ही इसका आंसर है। व्यवहार के लिए उद्देश्य या ड्राइव वृद्धि क्या है, उद्देश्य वृद्धि क्या है, मतलब कि व्यवहार के लिए जो हम किसी के प्रति शो करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। लक्ष्य उन्मुख, खुशी की तलाश, दर्द से परहेज या प्रकृति में सहज, इसका आंसर देखते हैं क, लक्ष्य उन्मुख, क्योंकि जो हमारा व्यवहार होता है वही हमें लक्ष्य की तरफ उन्मुख करता है, उसका यही उद्देश्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, मतलब इन चारों में अगर हम देखें तो लक्ष्य उन्मुख इज द बेस्ट आंसर, तो वही आंसर होगा। ठीक है, ऐसा भी होता है एक से ज्यादा आंसर हो लेकिन बट जो बेस्ट मैच करता है वही सही आंसर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से सबसे मजबूत है आत्म दावा, मतलब कि अपना प्रॉमिस, अपनी कही भी बात, आत्म संरक्षण, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, सामाजिक अनुमोदन या फिर प्यार। तो गाइस, आत्मरक्षण इज
सबसे जो मजबूत चीज है किसी इंसान के लिए, वो उसकी आत्म संरक्षण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपने 10 क्वेश्चन किए होंगे, और 10 क्वेश्चन में कितने आपके आंसर सही थे हमको बताएं, नीचे कमेंट जरूर करें। और ऐसे मॉक टेस्ट आपको चाहिए या नहीं ये भी हमें बताएं, और साथ ही साथ अगर आपको एक PDF चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट से, और वो फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन नाउ कीजिए, और आपको सभी मॉक टेस्ट की PDF और इमेजेस, नोट, सब कुछ फेसबुक पर मिल जाएगा। अगर आप BEd या फिर BTC, JBT, DLED, DED सब इस चीज़ से संबंधित हैं, तो यह ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।